हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे बेसिक गेट्स, जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो बुलियन अलजेब्रा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसी बुलियन अलजेब्रा के पार्ट है ये बेसिक गेट्स। इसी बेसिक गेट से हम लोग आगे चल के फर्दर जो सर्किट होते हैं उस सर्किट को हम लोग बिल्ड करेंगे। इन्हीं बेसिक गेट्स में एक है आपका एंड गेट, और गेट एंड लास्ट है आपका नॉर गेट। ये तीनों आपका बेसिक गेट्स है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो बेसिक गेट्स है ये आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप जो कॉलेज की तैयारी कर रहे हो उसमें भी, आप बीटेक जो आप कोर्स कर रहे हो, एमटेक कोर्स कर रहे हो उसमें भी ये आपका इम्पॉर्टेंट है। बेसिक का मतलब क्या है? जो आपके बेस लेवल पे काम करता है। जैसे हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उसमें क्या है बेस, क्या है आपका इंग्लिश में आपका ए टू जेड, ये जो अल्फ़ाबेट है ये आपका बेस लेवल में है। इसी ए टू जेड अल्फ़ाबेट को मिलाकर वर्ड क्रिएट होता है, उसी वर्ड को मिलाकर हम लोग सेंटेंस क्रिएट करते हैं। इसका मोटिव क्या है? हम लोग एक दूसरे के साथ एक लैंग्वेज क्रिएट होता है, जो लैंग्वेज हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से ये जो बेसिक गेट्स है, ये तीनों बेसिक गेट्स है, इसी गेट्स को मिलाकर हम लोग फर्दर कोई भी सर्किट हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी मतलब जीरो एंड वन, ये दो नंबर को ही समझता है। तो इसी जीरो एंड वन को मिलाकर हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं और इसका आउटपुट क्या आएगा, उसको लेकर हम लोग ये सर्किट को बिल्ड करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी सर्किट को लेकर हम लोग अरिथमेटिक जो कैलकुलेशन होता है वो करते हैं, लॉजिकल जो इक्वेशन क्रिएट होता है वो सब हम लोग करते हैं, जो सीपीयू का मेन फंक्शन है, या फिर हम लोग जो बड़े बड़े प्रोग्राम को रन करते हैं इसी सर्किट के ऊपर बेस करके ही हम लोग यूज़ करते हैं। ये तीनों सर्किट को लेकर हम लोग फर्दर सर्किट को यूज़ करते हैं। जैसे रजिस्टर हो गया, रजिस्टर एक सर्किट है, उसी रजिस्टर को हम लोग इसी सर्किट से, इसी एंड गेट, और गेट एंड नैंड गेट को मिलाकर क्रिएट करते हैं। तो ये आपका, इसीलिए ये बेसिक गेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड गेट का मतलब क्या है, और गेट का मतलब क्या है, एंड नॉन गेट का मतलब क्या है। एक एक करके सबको देखते हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले नॉट गेट को देख लेते हैं। नॉट गेट का सिंबल क्या है? एक ट्रायंगल है और सामने एक डॉट आएगा, इसका मतलब है ये नॉट गेट है। इसी सिंबल से पता चलता है, ये जो सिंबल है इसी सिंबल से पता चलता है ये नॉट गेट है। नॉट गेट में देखिए एक ही इनपुट दिया जाता है और आउटपुट एक ही आता है। यहाँ से इनपुट दिया जाता है और यहाँ से आउटपुट आता है। तो इस नॉट का मतलब क्या है? हम लोग जब लिखते हैं ए नॉट, ए नॉट का मतलब क्या है? ए का रिवर्स, मतलब एक ही जगह हम लोग अगर ज़ीरो, इसी सर्किट के ज़ीरो पास करते हैं तो आउटपुट आएगा वन, और जहाँ पर हम लोग वन को पास करेंगे तो आउटपुट आएगा ज़ीरो। ये है इसका नॉट गेट का मेन फंक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा है ए को अगर देंगे तो ए नॉट आएगा, ए नॉट को अगर देंगे तो ए आपका रिवर्स होगा, ए आपका आउटपुट आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग ज़ीरो देंगे तो आउटपुट आएगा वन, और वन अगर देंगे तो आउटपुट आएगा ज़ीरो। ये आपका मेन फंक्शन नॉट गेट का। तो नॉट गेट कहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पर हम लोगों का उल्टा रिजल्ट आएगा। तो मान लीजिए घर के जो आपका स्विच है, घर में जो आपका स्विच है, अगर स्विच हम लोग ऐसे फंक्शन करेंगे नॉट गेट से, अगर हम लोग स्विच को बिल्ड करेंगे तो जहाँ पर हम लोग स्विच ऑन करते हैं वो क्या होता है, इसमें हम लोग वन को पास करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? ज़ीरो। तो इस तरह से हम लोग अगर स्विच को उल्टा करेंगे, जब ऑन करेंगे तो फैन, मान लीजिए घर में एक फ़ैन है जिसका सर्किट हम लोग नॉट गेट से बना रहे हैं, नॉट गेट से, जिसमें क्या होगा, अगर हम लोग ज़ीरो पास करेंगे तो वन आएगा, अगर वन आएगा तो फैन ऑन होगा। जब हम लोग वन को पास करेंगे आउटपुट आएगा ज़ीरो, तब फैन
ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से ये सर्किट को हम लोग बिल्ड करेंगे बाय यूजिंग नॉट गेट। ये आपका घर का एक छोटा एग्जांपल हो गया है। जब भी हम लोग एक इनपुट और एक आउटपुट देते हैं तो उसी टाइम हम लोग नॉट गेट को यूज़ करते हैं, बट कंडीशन यही है, हम लोग अगर ज़ीरो देते हैं तो वन आएगा, अगर वन देते हैं तो ज़ीरो आएगा। कोई भी रिवर्स काम करने के लिए हम लोग ये नॉट गेट को यूज़ करते हैं। अभी देखिए एंड गेट, ये एंड गेट को हम लोग देखते हैं। एंड का मतलब क्या है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर ए एंड बी इनपुट देंगे तो आउटपुट में आएगा आपका ए डॉट बी, मतलब ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग किसी डॉट से डिनोट करते हैं। ये इसका डी की तरह इसका सर्किट है, इसीलिए इसको एंड गेट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग बाइनरी में सिर्फ 0 एंड 1 को पास करते हैं। तो 0 एंड 1 में सीक्वेंस क्या होगा, एक साथ हम लोग 0 0 को पास कर सकते हैं, 0 1 को पास कर सकते हैं, 1 0 को एंड 1 1 को। तो अभी देखिए इसमें आउटपुट क्या आएगा, अगर हम लोग 0 एंड 0 को देंगे तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगा 0। 0 एंड 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगा क्या, 0। 1 एंड 0 इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 0, क्योंकि देखिए 0 के साथ कोई भी चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 ही आएगा। एंड लास्ट 1 एंड 1, ये 1 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1। तो इसमें आप लोग क्या समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए तीन कंडीशन 0 0 0 1 एंड 1 0, ये तीनों कंडीशन में ही आपका आउटपुट 0 आ रहा है। मतलब क्या है, अगर हम लोग लोअर 0 को हम लोग लो ग्रेड मानते हैं तो लो ग्रेड के टाइम क्या होगा, हमारा आउटपुट 0 आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। बट हम लोग जब दोनों ही तरफ हाई वोल्टेज पास कर रहे हैं तो उस टाइम 1 आपका आंसर आएगा। तो इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझिए, ये एक टैंकर है, यहाँ पर हम लोग एक एंड गेट अटैच कर रहे हैं, ये 0 है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक एंड गेट है, इसके साथ कनेक्टेड है। तो हम लोग अगर यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, ये पानी का एक टैंकर है, यहाँ से एक नल लगा हुआ है जो इस टैंकर को फिल करेगा। जब भी ये सेंसर 0 एंड 0 होगा, इसका मतलब क्या है, टैंकर में कोई भी पानी नहीं है, तो ये नल से कोई भी पानी नहीं आएगा। सब यहाँ पर 1 एंड 1 हम लोग आउटपुट देंगे तो यहाँ पर टैंकर खाली होगा, तो ये जो नल है यहाँ से पानी बाहर निकल आएगा और ये टैंकर को फिल करेगा। ये है इसका एंड गेट का काम, मतलब जहाँ पर हम लोग इनपुट को हाई रखेंगे वहीं पर ही ये सर्किट काम करेगा। जब भी हम लोग लो रखेंगे, मतलब 0 0 रखेंगे या फिर 0 1 या फिर 1 0, कोई भी कम्बिनेशन रखेंगे तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। एंड गेट का फंडा यही है। नेक्स्ट है और गेट। और गेट का मतलब क्या है, जिसको हम लोग एरिथमेटिक में प्लस बोलते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग ए यहाँ पर बी देते हैं तो एरिथमेटिक ऑपरेशन पे आएगा क्या, आउटपुट आएगा ए प्लस बी, ये आपका आउटपुट आएगा। जिसका साइन क्या है, देखिए यहाँ पर एक आउट इनपुट, यहाँ पर इनपुट दिया जा रहा है, ये एक कार्व की तरह, डी को हम लोग एक कार्व की शेप दे रहे हैं। यहाँ पर डी पूरा है तो इसी डी को अगर हम लोग यहाँ से कार्व देते हैं और अंदर से इस लाइन को ऐसे बेंड कर देते हैं तो ये और गेट हो जाएगा। तो ये आपका और गेट हो जाएगा, ये मेन डिफरेंस है। इस सिंबल को याद रखिएगा, एंड गेट का सिंबल डी की तरह है, और गेट का सिंबल ऐसे कार्व किया गया है, और नॉट गेट का बहुत ही इजी है, ट्रायंगल एंड सामने एक बबल। तो अभी और गेट पे आते हैं। और गेट का मतलब प्लस, जो हम लोग अरिथमेटिक में प्लस यूज करते हैं उसी तरह से। यहाँ पर हम लोग ए बी की जगह एक्स वाई भी दे सकते हैं, सी डी भी दे सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ए बी ही हमको देना पड़ेगा।
ए बी की जगह हम लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट हाँ सिंबल याद रखिएगा सिर्फ जीरो एंड वन ही हम लोग पास कर सकते हैं। तो जीरो, अगर जीरो एंड वन जो बाइनरी का नंबर है ये बुलियन अलजेब्रा का पार्ट है, इसलिए हम लोग जीरो एंड वन को ही पास कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर इन दोनों नंबर के अलावा कुछ भी और समझता नहीं है। तो जीरो एंड वन को जब हम लोग पास कर रहे हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन एंड गेट की तरह ही होगा, एक आपका जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन यही होगा। तो हम लोग अगर फर्स्ट कॉम्बिनेशन जीरो एंड जीरो को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा। जीरो एंड वन को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन। वन जीरो को ऐड करेंगे तो वन आएगा, और वन वन को ऐड करेंगे तो वन आएगा, क्योंकि देखिए वन वन का मतलब क्या है, टू। टू को हम लोग अगर बाइनरी में लिखते हैं क्या होता है, वन जीरो, तो हम लोग हायर रेंज जो है वन वही लेंगे। तो इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, एंड गेट में क्या था, सब जगह पर जीरो था, सिर्फ जहाँ पर हम लोग हाई इनपुट दे रहे हैं वहाँ पर आपका आउटपुट आ रहा था। बट यहाँ पर और गेट में डिफरेंस क्या है, देखिए कोई भी हम लोग आउटपुट देंगे हाई, मतलब एक को अगर वन रखेंगे जो हाई है तो हमारा आउटपुट वन आएगा, बाकी जीरो जीरो की केस में आपका ये जीरो होगा। उसी टैंकर का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर जो नल है उसमें से पानी आएगा, तो हम लोग ऊपर की तरफ एक सेंसर लगा सकते हैं, जहाँ पर हम लोग जीरो एंड जीरो को आउटपुट देंगे तो ये क्या होगा, ये नल से पानी निकलना बंद हो जाएगा। यहाँ पर एंड गेट में हम लोग वन वन अगर आउटपुट देंगे तो ये टैंकर फिल होना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पर हम लोग अगर और गेट की जो सर्किट है उस सर्किट को ऐड करेंगे सेंसर की जगह पर तो क्या होगा, जब भी हम लोग जीरो एंड जीरो को देंगे मतलब पानी का लेवल यहाँ तक फिल हो चुका है, तो अभी इसमें ये नल से पानी निकलना बंद कर देंगे। इसी तरह से हम लोग ये और गेट को यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। नॉट गेट का तो सिंबल बहुत ही इजी है, नॉट गेट का जो सर्किट है वो बहुत ही इजी है, जहाँ पर हम लोग उल्टा आउटपुट लेना होगा वही हम लोग ये नॉट गेट को यूज़ करते हैं। एंड गेट में क्या है, जब भी हम लोगों का हाई वोल्टेज कहीं पर पास होगा तब भी ये काम करता है, और गेट में क्या है, जब भी दोनों साइड लो होगा तो वो ज़ीरो होगा, बाकी हर एक केस में ये आपका आउटपुट देगा। ये कुछ डिफरेंस है एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फर्दर हम लोग यूनिवर्सल गेट को देखेंगे, उसको भी हम लोग अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे, और इसके रिलेटेड आपको गेट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। आज इतना ही, अगर इसके रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों का गेट की जो तैयारी है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।